ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। March 20, 1969 राय राम को लिखा पत्र। श्रीला प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं, राय राम भक्त हैं तो उनको लेटर में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अपितु श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई दवाई काम नहीं आएगी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो समस्त परिस्थितियों में। तो भगवान पर आश्रित होने का अर्थ क्या है? क्या क्या करना होता है भगवान पर आश्रित होंगे? तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी अलग हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं ना, तो भगवान पर आश्रित होने का क्या अर्थ है? भगवान जैसा कहते हैं ठीक है, पर अप्लाई कैसे करेंगे? वो बात तो सही है कि भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा करो, मतलब लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे हमारी लाइफ में? जब हम डिवोशन में आते हैं तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? हाँ, मतलब क्रियाओं में क्या नज़र आता है? वो तो चलो भावना है, क्रियाओं में क्या डिफरेंस आएगा? हम क्रियाएँ कौन कौन सी करते हैं? मतलब हमें क्रियाओं का मैं पूछ रहा था। हाँ, जैसे जो नियम पालन हम करते हैं, जितना हम नियम पालन, साधना भक्ति यही है ना। साधना भक्ति पता है ना, दो तरह की भक्ति होती है, एक साधना भक्ति होती है, दूसरी रागोनुगा। वैदिक भक्ति साधना भक्ति है और रागोनुगा भक्ति मतलब राग से जो की जा रही है। मतलब अभी हमें बताया जाता है ना कि सोलह माला करो और तिलक लगाओ, वैष्णव ड्रेस में आओ, मंगल आरती अटेंड करो, तो ये क्या है? ये साधना भक्ति। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं कि रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति क्या, हम यही क्रियाएं कर रहे होंगे पर भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, भगवान की तरफ ध्यान लगाना, जो मन लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, मन लगने प्रभुपाद क्या, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम मंगल आरती के लिए आएंगे, बट जब रागानुगा भक्ति होगी तब हम भगवान को और सुंदर सजाने का प्रयास करते रहेंगे। मतलब हम भगवान के लिए नया कुछ करेंगे। रागानुगा भक्ति है कि जिस प्रकार बच्चे के लिए हम नई डिशेज बनाते हैं, उस प्रकार भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। केवल क्रियाएं नहीं होंगी, संतुष्ट और बल्कि इम्प्रेस करने का प्रयास करेंगे। संसार में भी हम लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं ना, तो भगवान को भी हम इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। और तो जब तब मंगल आरती में आना एक रूटीन नहीं होता, तब मंगल आरती में आप भगवान को भगवान के लिए इमोशंस के साथ आते हैं, एक इमोशंस के साथ। तो एक्चुअली तो हमें एक तरह से एक दृष्टि से हम ज़रूर हमें देखते हैं कि एक भक्त कितना सोलह माला कर रहा है या फिर वो भगवान को भोग लगा रहा है नहीं लगा रहा। हम ये पूछते ही हैं कि आप घर में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पर वास्तव में देखा जाए तो वैसे भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? या भगवान को भोग लगाते समय किन किन वस्तुओं का ध्यान रखना होता है? तुलसी पत्ता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, गुरु परंपरा चाहिए। भगवान को भोग लगाने का मंत्र होता है, भगवान को शुद्ध चीज़, बेस्ट चीज़ ऑफर की जाती है, है ना। जो भी बेस्ट है, आप मीठा ऑफर करते हैं तभी स्पेशल बना के लोग, और तो वो भी होता है ना, मक्खन मिश्री भी ऑफर करते हैं। तो मक्खन मिश्री एक्चुअली क्या है? या हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो ये सारी वस्तुएँ हैं, पर इन सब के साथ
जो मक्खन मिश्री कह रहे हैं, तो मक्खन मिश्री क्या है वैसे? हाँ, क्या है भावना है एक्चुअली? तो कौन सी भावना है? मक्खन मिश्री ठीक है, भावना है, पर कौन सी भावना है, क्या भावना है वो? हाँ, आप प्रेम, मतलब थोड़ा सा और इसको क्लियर करना पड़ेगा। प्रेम, अच्छा लगता है ये सब। हाँ, भगवान को अच्छा लगता है, ठीक है। एक्चुअली मक्खन बोले, या हम जब भगवान को जब मलाई मक्खन जब ऑफर करते हैं, तो वो क्या है? मतलब केवल भावनाएं नहीं है, क्योंकि भावनाएं तो बड़ी सारी भावनाएं हैं, वो केवल भावनाएं नहीं है, वो क्या है? हाँ, हृदय। तो हृदय भी अभी मतलब वो एक ही स्तर पे चल रहा है। हृदय में भी क्या है? हृदय में बड़ी सारी चीजें हैं ना हमारे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो तो ठीक है, हाँ वो ठीक है। हाँ, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स ही हैं, भावनाओं की बात हो रही है, पर भावनाओं में भी क्या है? क्या है? सात्विक। हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रस नहीं है इसमें, ठीक है। सात्विक तो योगी भी होते हैं। हाँ, अपनापन, ठीक है, अपनापन सब में बढ़ जाता है ना। एक चीज़ है जो नहीं बटेगी, प्रेम भी बढ़ रहा है। हाँ, बेस्ट सोर्स। हाँ, तो वो क्या है एक्चुअली? भावनाओं में भी, भावनाएं तो हमें चाहिए, हम वस्तुएं देख रहे हैं, पर वस्तुओं के साथ भावनाएं यूजली नहीं होती। पर मैं कह रहा हूँ, भावनाओं में भी एक चीज़ है जो कि हमें देनी है। इच्छाएं, तो वही मैं, इच्छाएं बहुत सारी हैं, इच्छाओं में भी क्या देना है? हाँ, गुण, गुण बड़े सारे हैं ना। तो जब हम कह रहे हैं मक्खन मिश्री, या फिर हम कहते हैं मलाई, दूध मलाई, तो एक्चुअली हम केवल दूध नहीं दे रहे, या हम दूध में से मलाई दे रहे हैं। इसी तरह भावनाओं में भी जो सबसे प्रकार भावना है, मतलब भावनाएं तो संसार में बटी हुई है ना, उसमें से भी जो कंडेंस्ड, मतलब समझ रहे हैं, मलाई कंडेंस्ड है, वो गाड़ी गाढ़ा, जो हमारी गाढ़ी भावनाएं हैं, या फिर हम जो कहते हैं कि एक्चुअली हम भगवान को बेस्ट देना चाहते हैं, केवल हम दे नहीं रहे, अपनी भावनाओं में भी जो हमारी बेस्ट भावना है। और बेस्ट भावना क्या है? जैसे संसार में क्या है कैसे? अपने आप को समर्पण करना ये कर। हाँ, एक्चुअली संसार में जो, जिस संसार में हम जिन चीज़ों के लिए हमें लोभ नहीं है, जैसे अब आप मूवी देखेंगे, तो मूवी देखेंगे तो सिर्फ मूवी नहीं देख रहे ना, उसमें सारे इमोशंस चले जाते हैं हमारे। या फिर आप कोई वस्तु, कोई अच्छी वस्तु हम इंजॉय करते हैं। इस संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा जब हम करते हैं, तो उसके पीछे हमारा लोभ नहीं होता, तो वो लोभ नहीं दे रहे हो। भावनाएं तो ठीक है, भावनाएं हैं कि हम भगवान ले लीजिए, पर उस भावनाओं में लोभ नहीं है, क्योंकि वो लोभ क्या है? वो लोभ वास्तव में मलाई है। हमारे भावनाओं में से जो सबसे इंटेंस भावना क्या है? कि मुझे चाहिए, है ना? मतलब बच्चा यही तो कहता है कि नहीं, मेरे को ला कर दो, मेरे को ला कर दो, मेरे को ला कर दो। तो भावनाएं बड़ी सारी होती हैं, पर उसमें जब गाढ़ापन आ जाता है, उसी को प्रेम कहते हैं, फिर वो प्रेम है। पर अभी संसार में तो सब भावनाएं और प्रेम बटी हुई है, और बल्कि संसार में हम बात नहीं करते जब हम प्रजब करते हैं, तो हम कितने इंटरेस्ट से बात करते हैं उसके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, किसी और के घर में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उन सब में क्या है? उन सब में हमारा इंटरेस्ट है, पर भगवान में अभी इंटरेस्ट नहीं है। और बल्कि जो हम भगवान को अभी क्या ऑफर कर रहे हैं, हम दूध में से मलाई निकाल कर हम मलाई खुद खा रहे हैं, और भगवान को पानी वाला दूध ऑफर कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये, क्योंकि इमोशंस हमारे कहाँ हैं संसार में? वास्तव में देखा जाए तो हमने संसार में हम इंजॉय करते हैं, और भगवान को कह रहे हैं जो बचा कुछ है आपको दे रहे हैं। बचे कुछ है इमोशंस हम भगवान को दे रहे हैं, नहीं, इमोशंस तो हम दे रहे हैं भगवान को, पर बचे कुछ है दे रहे हैं, और मेन इमोशंस हमारे कहाँ हैं संसार मुझे क्लियर समझ नहीं लगी।
तो आप खाली समय में क्या करते हैं? यूट्यूब? क्या करते हैं खाली समय में? क्या करते हैं? पॉइंट यह है कि अभी तो हमें पता है कि हमें सुबह मंगल आरती आना, खाली समय में हम क्या कर रहे हैं? जब हम खाली समय होता है तो हम कुछ मतलब हाँ संसार की तरफ भाग रहे हैं ना, वो क्या है? वो आपके गाढ़े इमोशंस हैं। वो सबसे उसमें नींद नहीं आती ना। संसार में बात करते हो कभी नींद आती है किसी के बारे में? नहीं आती नींद। आप मूवी देख रहे हैं कभी नींद आती है? नहीं आती। मंदिर में ही नींद क्यों आती है? क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, हमने मलाई संसार में दे रखी है, अपने इमोशंस का हमने जो निचोड़ है, जो भी हमारे जो इंटेंस इमोशंस है वो संसार में, और बचा कुछ हम भगवान को दे रहे हैं। क्या क्या सोचना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए? तत्र लौलम अपि एक मूल्यम। हमें वो ग्रीड जो संसार में ग्रीड है, जो हमें हाँ जो हमें संसार की चीज़ें देखने में हमारी आंखें खुली की खुली नहीं रह जाती। कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं मार्केट में, आप चीज़ देखें या खाने पीने की चीज़ देखें या पुरुष स्त्री को देखें तो नींद आएगी कभी उसे? या स्त्री पुरुष के बारे में सोचे तो नींद आएगी कभी? नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ इमोशंस हैं, वहाँ गाढ़ापन है। यहाँ पर सब चलता है, ठीक है, आ गए चले गए, अटेंडेंस लग गई बस। तो वो क्या है, वो तभी रूप गोस्वामी कह रहे हैं तत्र लौल्यम अपि एक मौल्यम। तो भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय कब आता है? हाँ, संसार को देखने के बाद भगवान का आश्रय आता है, यानी कि सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति, ये सब क्या है? जब हम सर्गों को देखेंगे, जब हम संसार को देखेंगे, विसर्गों को देखेंगे कि संसार कैसे चल रहा है, और स्थानम इस जगह को हम समझेंगे कि इस संसार में तो, इस संसार में तो रस है, पर भक्ति का रस, स्थानम पोषणम उति, और बल्कि भगवान कैसे भक्ति का रस प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर निरोध आता है कि नहीं, इस संसार का रस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान का रस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर मुक्ति की तरफ इच्छा होती है कि इस संसार से हमें बाहर निकलना है, और फिर हम लेते हैं भगवान का आश्रय। मतलब पूरा संसार घूमकर और संसार में जो इमोशंस हैं उनको निकाल कर जब हम भगवान में लगाते हैं, और वो भी गाढ़े इमोशंस, सिर्फ भगवान को भोग लगाने की बात नहीं हो रही, उसमें भगवान को वास्तव में मलाई चाहिए, पर वो हमारी मलाई संसार में हुई, तो वो गाढ़ापन चाहिए। तभी भगवान रूप गोस्वामी कह रहे हैं तत्र लौल्यम अपि एक अमूल्यम। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? सारी वस्तुएं होती हैं, पर उसमें लोभ हमारा कहाँ है? संसार में। और हमें लगता है कि हमने मक्खन मछली देकर भगवान को खुश कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि भोग लगाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? कृष्ण भावना अमृत। भाव कहाँ है? भोग तो हम उधर लगा रहे हैं, पर क्या कहते हैं भगवान से कि मेरा ये काम कर दीजिएगा? तो क्रीम कहाँ थी? क्रीम तो संसार में आ गई, और भगवान को बचा कुचा दे रहे हैं। हम जब संसार में कोई वस्तु की इच्छा कर रहे हैं तो हमारे इमोशंस वहां हैं, तो इस संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा करना वो भगवान से, एक्चुअली भगवान से कंपटीशन करना है। भगवान आप भगवान हम भगवान को ना देकर हम संसार में वो इमोशंस दे देंगे। तो भोग लगाना तो एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है, एक्चुअली भगवान को इमोशंस चाहिए। तभी तो भगवान कह रहे हैं यो मे भक्त्या पृच्छति। भक्ति, भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि अल्टीमेटली आश्रय, यानी कि इमोशंस का भी, इमोशंस में भी, और सबसे गाढ़े इमोशंस, केवल इमोशंस की बात नहीं हो रही, जो हमें हमारी इच्छा होती है कि मेरा करियर बने, मैं ये बनूं, और मैं ये करूं ये करूं, वो सब चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? वो सब चीज़ें, तभी तो हम कहते हैं कि प्राइम ऑफ लाइफ, भगवान को हमें अपना जो हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट है वो देना है। हम बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करते ना कि जब बूढ़े होंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे। हाँ, फिर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने लाइफ का बेस्ट टाइम तो अपने लिए यूज़ कर लिया। ये नहीं है लाइफ का बेस्ट टाइम, और बल्कि अपने सारे बेस्ट इमोशंस हमने किसी स्त्री या किसी पुरुष में डाल दिए। बेस्ट चीज हमने एक एक नश्वर संसार को दे दी,
और जब बचा कुचा थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा बहुत ताकत बची है तो हम कहते हैं हम भक्ति करेंगे। तो वो क्या है, वो एक्चुअली हमने मक्खन मलाई तो खुद खा ली, मक्खन मलाई खुद खा ली, और भगवान के आगे क्या रखा हुआ है, पानी पानी वाला दूध। उसमें रस नहीं है, क्योंकि रस तो वहाँ है जहाँ पर हमारे इमोशंस जा रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट, जहाँ इमोशंस हमारे जा रहे हैं, या हमारी जो लिस्ट है इच्छाओं की, जो लिस्ट है वो हमें देखना पड़ेगा, हमारी इच्छाओं की लिस्ट क्या है, और वो फिर प्रैक्टिकल दृष्टि से हमारे मोबाइल फ़ोन में नज़र आ जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हैं। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, वो हमारी इच्छाएं, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ है। भगवान हमें दिखा रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं संसार में, जो जो हमारी इच्छा होगी भगवान कहेंगे वो तुम्हें मिल जाएगा, सिंपल। इसलिए जब यहाँ पर श्री भगवान श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, तो ये किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ क्रियाओं की बात नहीं हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। क्योंकि कोई डॉक्टर या दवाई या स्थान काम नहीं आएगा, वो मतलब डॉक्टर या दवाई क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्यों, वैसे दवाई तो हम खाते ही हैं। प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर कोई दवाई स्थान नहीं, अपितु श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। डॉक्टर दवाई को क्यों मना कर रहे हैं, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर दवाई की कौन सी बात हो रही है, कि हमारी असली बीमारी तो कुछ और ही थी, ये तो छोटी मोटी बीमारियाँ, वो तो दवाई से ही ठीक होंगी। उसमें भगवान थोड़ी ठीक करेंगे, पेट खराब हो गया तो भगवान थोड़ी ठीक करेंगे, वो तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी बीमारी की बात हो रही है, कि इस संसार में इंटरेस्ट, हम संसार को एंजॉय करना चाहते हैं। जन्म मृत्यु ऐसा समझ में नहीं आता ना, संसार में हम रहना चाहते ही हैं, चाहते ही हैं, नहीं तो अगर संसार में रहना नहीं चाहते तो हम सबसे पहले घर में हम टीवी बंद करेंगे, सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन बंद करेंगे। अब देखिए इंटरनेट बंद है तो कितना सुख और शांति है, नहीं। तो वास्तव में अगर भगवान को पाना है तो भगवान ये सैक्रिफाइस मांग रहे हैं, भगवान वो कोई दान पेटी में डाल जाते हैं, वो क्या है, वो तो मतलब वो तो हम बचा कुचा दे रहे हैं, बचे खुचे इमोशंस दे रहे हैं वहाँ, तो सारे इमोशंस हमारे संसार में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर या दवाई नहीं, या स्थान भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बीमारी यही है कि हम संसार में, हाँ, भगवान के बिना एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान को बिना एंजॉयमेंट दिए। और हमारी ट्रेनिंग यही है कि अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट, या अपने बेस्ट इमोशंस, जो गाढ़े इमोशंस हैं, वो हम भगवान को दें, बाकी बचा कुचा समय हम जॉब कर लें। उल्टा है, बचे कुचा समय में आप जॉब कर लीजिए, बचा कुचा समय आप शॉपिंग करने चले जाइए, पर नहीं, बेस्ट टाइम हमारा भगवान को जाना चाहिए, फिर ठीक है, ये ठीक है, ये है भगवान पर आश्रित होने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।